जैसा कि आपको बताया गया होगा, मैंने 2019 और 20 में कोचिंग करा। जैसे ही मेरी कोचिंग खत्म हुई, आ गया हमारे पास कोविड-19। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो भी बातें सर मुझे क्लास में बताते थे और जो भी मैं लिख लिया करता था, जब भी मैं रिवीजन करता था, मुझे वो दिखती थी और मेरे अंदर से एक अलग सी एनर्जी अपने आप ही आ जाती थी। अब जैसे सर ने कह दिया, जो मन से हार गया वो हार गया, अब मैंने ये भी लिख लिया। सर ने बोल दिया कि टालते रहोगे टालते रह जाओगे, मैंने ये भी लिख लिया। तो बेसिकली जो भी आपकी तैयारी होनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी इसी फेज में हो जाएगी। इसके बाद तो सिर्फ आपने रिविजन करना है। आज भी मुझे याद है सर के जो छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थे। अगर आपने सीपीसी के क्लासेस अटेंड करी हो तो सेक्शन 89 में सर ACGM का हमें निमोनिक्स बताते हैं कि यार ए से आर्बिट्रेशन है, सी से कंसिलिएशन है, जे से जुडिशियल सेटलमेंट है और एम से मीडिएशन है। अब अगर क्वेश्चन आता है आपके पास प्रिलिम्स में और उसमें एक ऑप्शन नेगोशिएशन होता है, तो आप इजिली रूल आउट कर दोगे उसको। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको खुद पे सबसे पहले भरोसा रखना है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको बहुत लोग बहुत नेगेटिविटी फैलाएंगे। मैं ही यहाँ पे आया था जब मेरे बगल में जो बंदा बैठा था उसने मुझसे दो चार नेगेटिव सी बातें बोल दी, और मैं उसकी बातों में नहीं आया। मैंने कहा मैं खुद देखता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। मेरा दूसरा ही दिन था वो। फिर टाइम के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं जो यहाँ पे बैठ के सुन लेता हूँ और जो मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद जाके घर पे जब मैं उसको रिवाइज करके मटेरियल पढ़ लेता हूँ, मुझे अब सोचने की जरूरत ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में। चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, आपके पास जो ये मटेरियल है ना, ये रामबाण है आपके लिए। आप कोई भी क्वेश्चन ढूंढो, उसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। कहीं किसी भी स्टेट का क्वेश्चन हो, मैंने तो मतलब जब भी मैं पढ़ता था तो मैं सारे स्टेट के क्वेश्चन देखता था, तो आपको हर एक स्टेट के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको उस मटेरियल में मिल जाएगा। तो पहली चीज तो आपको ये फोकस रखना है कि आपके पास बेस्ट मटेरियल है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको इस कोचिंग के अंदर आते ही ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी सर आपको बता रहे हैं, अगर आपने उसको पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुन लिया तो फिर आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है।